हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा यही उम्मीद करते रहते हैं कि सभी अच्छे हों। और देखिए, आपका स्वागत है सुनील पाल व्लॉग्स में और आप हैं सुनील पाल के साथ। आज तारीख है 15 सितंबर और दिन है मंगलवार का, हनुमान जी का दिन है। तो सबसे पहले जय हनुमान और उसके बाद जो है व्लॉग की शुरुआत। तो अभी जो है शाम के लगभग 5 बजे हैं और सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। जैसे आप देख रहे हैं पीछे बच्चे, ये भी अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। साइकिल निकाल लिया गुड्डू में, अब ये दोनों पीछे पीछे भागेंगे, दौड़ लगाते हैं अभी। तो इधर देखिए, जैसे शाम का टाइम है और दूध जो है गाय का निकल चुका है, पशु जो है खाने पीने से निवृत्त हो चुके हैं। ये अभी जो है रेस्ट करने वाले हैं और गर्मी थोड़ी सी दिन भर से अब कम हुई है तो इन्हें भी राहत मिलेगी। दिन भर में बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर काफ़ी रहता है। अभी भी मौसम जैसा बदलना चाहिए था ऐसा नहीं बदला है। और आप देखिए, ये घास पानी जो है अपना चारा खा के पानी वानी पी रहे हैं और फिट हो जाएंगे थोड़ी देर में। और इनके नीचे जो है साफ़ सफाई अभियान जो है वो भी पूरा हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जो है हमने कच्ची मिट्टी की ज़मीन रखी हुई है क्योंकि चारा खाने के बाद यहाँ पर इन्हें बांध देते हैं तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं यहाँ पर बैठने में, लेटने में पशु। और इनके जो पैर होते हैं उन्हें कच्ची मिट्टी में आराम मिलता है। तो चारा खाने के बाद जो है ज़्यादातर समय इनका यहीं पर बीतता है कच्ची मिट्टी में। और पशुओं के लिए बताते हैं जैसे हमारे पिताजी और चाचा कि कच्ची मिट्टी जो है इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जिसमें ये आराम कर सकें अच्छी तरह से बैठ करके। और गाय हमारी अभी एक ही दूध देती है और दूध जो है उसका निकल चुका है। और अभी हम दिखाते हैं बच्चा पार्टी। और ये देखिए आरुषि ऐसे सीख रही है साइकिल चलाना, गुड्डू के पीछे बैठ जाती है पकड़ के, कस के पकड़ कर। और बेटा पाँव बचा के रखना अपना, पाँव किसी चीज़ में ना जाए। और ये देखिए जोकर को देखिए, ये कभी कभी अपने आप को जंगली जोकर भी बोलता है। और इसके भागने में एक्सरसाइज करने की बहुत रुचि है और ज़्यादातर जो है ये समय अपना खेलते टाइम भागता रहता है एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये जो है हैंडल में साइकिल के फूल लगा दिए हैं बच्चों को, वो थोड़ा सजाने का चीज़ें शौक रहता है। और गुड्डू जो है, और ये आ गई है चिंकी। चिंकी अभी जो है लर्निंग पीरियड में है साइकिल के। कहाँ ले जाओ फूल, गोल गोल चक्कर घूम के कहाँ ले जाओ? क्या है ये? ये फूल है। फूल है, दे दो। किसको दे दो? अरे तेज तो दौड़ रहे, सुनो तो सही। मारता हूं। कैसे कैसे? हथौड़ा मारोगे से तोड़ोगे क्या साइकिल को? गिर जाएंगे ऐसे तो ये। साइकिल आ गई पैर पे, साइकिल तो बहुत दूर है, कहाँ आ गई पैर? तो चलिए देखते हैं नन्ही परी के रूम में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये अभी जागी हुई है और ज़्यादातर टाइम जो है सोने में इसका गुजर रहा है। अभी स्वस्थ है, फिट है एकदम। और अभी जो है अपनी ताई के साथ खेल रही है, ये देख रही है, पहचान कर रही है। अभी कुछ लोगों की तो कर चुकी है पक्की पहचान, उनकी तरफ देखती है, आंखें इसकी घूमने लगी हैं और नज़रें घुमाती है। और यहाँ पर इधर ये देखिए गुड्डू और चिंकी, इसके जो कपड़े हैं धोकर सुखाने के बाद सिस्टमेटिक तरीके से लगा रहे हैं इस बास्केट में। और पहले भी बता चुके हैं कि ये जो नीली बास्केट है ये नन्ही परी के कपड़ों के लिए ही थी, लेकिन 3-4 दिन से जो ये किचन में थी और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और उसका सामान रखा था किचन का। और यहाँ पर चिंकी इसका बहुत ध्यान रखती है और सोना रखा है इसने नाम। सबने अभी जो है निक नेम रखे हुए हैं अपने अपने, अभी जो है फाइनल नेम इसका नहीं रखा है, नामकरण नहीं हुआ है। पिताजी क्या बोल रहे हैं? नंदनी। पिताजी ने नाम रखा है नंदनी। अच्छा। पिताजी किसी का बनाया हुआ नाम नहीं लेते। अच्छा, नंदनी पिताजी से नंदनी कहते हैं। और सबसे जो है शैली, ऐसी लड़की आई है, पिताजी ने इसका ही नाम अपने आप रखा।
अच्छा। नहीं तो सबके अपना लिए जो जिसने रख दिया वो ही लेते हैं। अच्छा, इसका नाम खुद रखा पिताजी ने, इसका नाम अपने आप चुन कर रखा है नंदिनी। और कपड़े यहाँ पर गुड्डू ने लगभग तैयार कर दिए हैं। और ये देखिए, देखिए नन्ही परी हमारी, किधर इसका ध्यान है, अभी सोएगी बस अभी। अच्छा, इसने दूध पी लिया। अच्छा। अब ये सोएगी, नसाओगे इसे। अच्छा, सोने वाली है, दूध पी चुके और ये सोने वाली है अभी। इधर से देख रही, नहीं तो हाथ पैर पूरे चला रही थी जब भूख लगी थी थोड़ी सी। अच्छा, इसके बाल बहुत कम है, सिर में देखियो हम बाल क्या इसके चुटिया लायक हो जाने भी। नहीं, किसी किसी के बच्चे के थे, इसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। अच्छा, 20 दिन के बच्चे की चुटिया बांधे थी क्या चिंकी? नहीं, के चिंकी के बहुत काले काले लंबे लंबे बाल थे। गुड्डू के हुए थे 3 साल में इतने लंबे, और इसके हो गए थे 8 महीने में इतने लंबे बाल। अच्छा, जब साकुम्बर कटवाए थे हमने इनके बाल। अच्छा अच्छा, और इसके तो देखे बिल्कुल ही हो जाएंगे। मुंडन कहीं होगा इसका, मुंडन करवाओगे जब नहीं कटेंगे इसके बाल। कुंडन तक तो हो जाएंगे, होली तक तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे बाल इसके। देख रही, नींद आ रही क्या? नींद आ रही शैली, नंदनी उधर से सोना की आवाज, सोना चांदी चमन परास। देख रही है तो आपको? हाँ, देखिए नन्नी परी जो है अभी जगी है थोड़ी देर पहले, दूध इसने पी लिया है। और मैं इसे 2-3 दिन में एक बार खिला रहा हूँ अभी, क्योंकि इसके अभी नाजुक है हाथ पैर सब। और ये देखिए सुन रही है, ताऊ क्या कह रहे हैं सुन रही है ये, और देख रही है आंखें खोल करके, और अभी फिर सोने वाली है। ज़्यादातर सोती रहती है, कम ही जगती है रात में। रात में कितना जगती है? रात में 1-2 घंटा खेल के फिर सो जाती है, रोती नहीं लेकिन। अच्छा ठीक है, अपने हिसाब से ठीक है। और बिल्कुल नन्ही परी एकदम, ना तो तंग करती है ना रोती है, और एकदम स्वस्थ है, फिट है, खा पी रही है आराम से, सब चीज़ें जो हैं एकदम बिल्कुल सही हो रही हैं। और टाइमिंग भी जो है परफेक्ट रहता है हर चीज़ का। तो ये देखिए, देखो अगर अगर यह थोड़ी बहुत देर रोवे तो इसे झूला में भी हाथों में पकड़ के कर करके जब यह सोती रहे तो नु सोच रहे को चलो भाई सो ही रहन दे। आपको पता ही है अरविंद जो है अपने काम पर लौट गया है, और नन्ही परी के पास 18-19 दिन रह के गया है। तो अभी 21 दिन की हो चुकी है, और काफी मिस किया जा रहा है इसे वहाँ तक, क्योंकि कोई नहीं वीडियो में देख लिया करेंगे रोज। क्योंकि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, लाड प्यार उसी पे ज्यादा फोकस होता है सभी घर वालों का, जितने भी एल्डर होते हैं। देखो ये देखिए, देख रही है ना आपकी तरफ को, टीवी देख रहे हैं आप, ऐसे पूरी बड़ी स्क्रीन लगा दी क्या आपने आज? मैं भी टीवी देखूं। आप भी देख लो टीवी। क्या बनाओगे इसका वहां पे? चलो कुर्सी पे बैठो। और ये कुर्सी भी बना ली है उन्होंने, और टीवी की स्क्रीन लगा दी है। अब ये दोनों टीवी देख रहे हैं, देखो पर्दे की ओर। और ये इनकी जो है इन्वेंशन है, इनके क्रिएशन है। ये देखिए थिएटर बना दिया इन्होंने आज, और बटन भी दबा रहा है, देखो स्क्रीन टच टीवी है इनका। चलाइयो नेक्स्ट, करंट टूट गया, कोई बात नहीं करंट सही करा देंगे। वो गिर गया टीवी। यहाँ पर क्या चल रहा है, इसके धागे निकल रहे हैं, बोल रहा है इनकी वायर निकल रही है, इन्हें कट कर देता हूँ। हेलो, मैं कुछ टीवी कुछ बना, टीवी को मैं अभी पेंट करूँगा। टीवी को पेंच करोगे? हाँ, पेंट करोगे? और आप क्या कर रहे हैं? हाँ अच्छा, चलो बाय कर दो दोस्तों को। बाय दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं।